इस अपमान का बदला 2024 और 2025 के चुनाव में बिहार का दलित इंसो लेगा। आज हमको सदन से दो दिन तक जनहित में काज करने से उन्हें बाधित किया है। वही तेजस्वी यादव है जिनके पिता चारा का आरोप में जेल में थे। तो पासवान एक दलित का बेटा है, मान सम्मान के लिए जीता है और मान सम्मान के लिए मरता है। नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और सत्र काफी हंगामेदार होते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान ही बीजेपी नेता लखेंद्र पासवान के द्वारा माइक तोड़ दी गई, जिसके बाद पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पर हमलावर हो गई। तो वहीं सदन के जो अध्यक्ष है अवध बिहारी चौधरी के द्वारा लखेंद्र पासवान को दो दिनों के लिए सदन के कार्रवाई से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद जो है बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हो चाहे सम्राट चौधरी हो, सब लोग सदन के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते होंगे कि किस तरीके से बीजेपी के द्वारा सदन के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि इस निष्कासन के बाद लखेंद्र पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जी ने और नेता संसदीय कार्य मंत्री जी ने और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक दलित के बेटा, एक पासवान के बिहार के बेटा, पातेपुर के एक सेवक का जिस प्रकार हमने बिहार विधानसभा में जनहित में विषय उठा रहा था, चाहे सेविका सहायिका को सम्मानजनक वेतन की बात हो या एससी एसटी समाज के छात्र है उसको पोस्ट स्कॉलरशिप देने की बात हो या सामाजिक कल्याण विभाग के जनहितकारी विषय की बात हम उठा रहे थे, उन्होंने उनको लगा जी अच्छा नहीं है, इन्होंने इस कारणों से अपमान करने का काम किया है। लेकिन इस अपमान का बदला 2024 और 2025 के चुनाव में बिहार का दलित इंसो लेगा। आज हमको सदन से दो दिन तक जनहित में काज करने से इन्हें बाधित किया है, लेकिन एक दिन समय आएगा 24-25 में बिहार के जनता इनको सदन से बाहर कर देगी। पर तेजस्वी यादव ने तो कहा कि आपने माइक तोड़ा है। तेजस्वी यादव हम पर क्या आरोप लगा सकते हैं? वही तेजस्वी यादव है जिनकी उत्पत्ति ही भ्रष्टाचार से हुआ है। ये वही तेजस्वी यादव है जिनके पिता चारा का आरोप में जेल में थे। वही तेजस्वी यादव है जिन पर अखिल 600 करोड़ रुपया के बेनाम संपत्ति का गमन का मामला है। वही तेजस्वी यादव है जिसके पास में विदेशी डॉलर का अभी रिपोर्ट आया है। वही तेजस्वी यादव है जिनके पिता ने जमीन नौकरी के बदले जमीन मामले में लैंड फॉर सर्विस, सर्विस फॉर लैंड, इस मामले में जिन पर इन पर आरोप लगाया है। लखेंद्र पासवान पर ऐसा कोई आरोप नहीं है। लखेंद्र पासवान एक दलित का बेटा है, मान सम्मान के लिए जीता है और मान सम्मान के लिए मरता है। बिहार के दलित समाज और पासवान समाज इस सरकार को निश्चित रूप से 2024 में 25 में इसका जवाब। आपको तो माफी मांगने का भी मौका मिला था अंदर। जिस गलती को मैं किया ही नहीं उसको माफी क्यों चीज का भाई? अगर जनहित में विषय उठाना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं, यदि सेविका सहायिका के सम्मानजनक वेतन के विषय उठाना गुनहगार है तो मैं गुनाह हूं, यदि एसटी एसटी समाज के छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप देना और मांगना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। लेकिन ऐसा यदि गुनाह नेता यदि बिहार विधान में जो नेता है हम लोगों का जो बिहार सरकार है वो अगर ऐसा गलती मानता है तो ऐसा गुनाह तो मैं लगातार करता रहूंगा। अब आगे दो दिन तक क्या करेंगे? सदन के बाहर सदन के अंदर दो दिनों तक जनहित में आवाज उठाने से हमको रोक सकते हैं, लेकिन सदन से अंदर दो दिनों तक जनहित में आवाज उठाने से हमको रोक नहीं सकते हैं। लखेंद्र पासवान एक दलित का बेटा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हम संतान है, ऐसा जनहित में मुद्दा हम उठाते रहेंगे सदन से बाहर। और सदन के बाहर इनको भी 2024 और 2025 के चुनाव में बिहार के जनता कर देगा। आपने लखेंद्र पासवान को सुना जिनका ये साफ तौर पे कहना है, साफ तौर पे सरकार को धमकी दिया है कि आज ये लोग मुझे सदन से बाहर निकाले हैं, 24 और 25 के चुनाव में जनता इन्हें सदन से बाहर निकालेगी, ऐसा कहना है लखेंद्र पासवान का। हालांकि लखेंद्र पासवान को जो है सदन में अमर्यादित हरकत करने के वजह से जो है सदन से दो दिनों के लिए निष्कासित कर दिया गया है, जिसके बाद लखेंद्र पासवान का ये कहना
कहना है कि आज ये लोग हमको सदन से बाहर निकाले हैं, 24 और 25 में जनता इनको सदन से बाहर निकालेगी। अब इसमें देखना है कि सरकार की ओर से क्या कुछ राय निकल के आती है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।